चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस अब दुनिया पर खतरा बनकर मंडरा रहा है। चीन में अभी तक इस वायरस के चलते 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, तो वहीं चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के मुताबिक 1,287 लोग अभी भी इस वायरस की चपेट में हैं। चीन के हुबेई प्रांत में इस कोरोना वायरस के चलते हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। हुबेई प्रांत में ही अकेले 39 लोगों की जान इस वायरस के चलते जा चुकी है। ऐसे में दुनिया के तमाम देश अलर्ट पर हैं। बावजूद इसके हांगकांग, मकाऊ, ताइवान, नेपाल, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम और अमेरिका तक ये वायरस दस्तक दे चुका है। इन देशों में कोरोना वायरस से संक्रमण के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन वहीं इससे भारत के लिए चिंता पैदा हो गई है, क्योंकि लगभग 700 भारतीय छात्र वुहान और हुबेई प्रांत की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे हैं, जो अब भी वहां फंसे हुए हैं। भारतीय दूतावास ने उनसे करीबी संपर्क बनाने के लिए हॉटलाइंस स्थापित की है। तो वहीं इस कोरोना वायरस को लेकर भारत में केंद्र सरकार अलर्ट पर है। कोरोना वायरस से चीन में कई व्यक्तियों की मौत के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हर तरह की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, जिसके चलते दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, अमृतसर समेत कई बड़े एयरपोर्ट्स पर अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। इन तमाम एयरपोर्ट्स पर चीन से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की थर्मल स्कैनर के जरिए जांच करने के भी निर्देश दिए गए हैं। हालांकि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह कहा है कि अभी तक अलग अलग देशों से आ रहे 96 विमानों के 20,844 यात्रियों की जांच की गई है, जो कोरोना वायरस से पूरी तरह से सुरक्षित पाए गए हैं। फिलहाल दुनिया पर खतरा बनकर मंडरा रहे इस कोरोना वायरस के फैलने की कोई ठोस वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं दुनिया के तमाम देश इस वायरस को लेकर अलर्ट हैं, क्योंकि चीन में कई लोगों की जान इस वायरस के चलते जा चुकी है। न्यूज़ के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।